नमस्कार दोस्तों, टेक्सकैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं 2024 साल के लिए भारत के अंदर जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होने वाला है उसके डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हुआ था वो मेनली 2022 के अंदर हुआ था, जहां पर 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस यहां पर देखा गया था। लेकिन 2024 साल के अंदर भी यहां पर स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होने वाला है, जहां पर 57 GHz बैंड, जहां पर 800 MHz और 900 MHz वाला बैंड अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं मिड बैंड्स की बात करता हूं, जहां पर 1800 MHz, 2100 MHz और 2300 MHz, 2500 MHz और 3300 MHz का जो सी बैंड है वो यहां पर अवेलेबल है। और अगर मैं मिलीमीटर वेव की बात करता हूं, जो 26 GHz बैंड यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और भारत के अंदर जो भी लाइसेंस सर्विस एरियाज है वहां पर मेरे लिए पर्टिकुलर मतलब बैंड का जो स्पेक्ट्रम है उसका ऑक्शंस यहां पर किया जाएगा। उसी के साथ जो NIA है यानी नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस जो है वो मेरे लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से 8 मार्च 2024 को रिलीज किया गया है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के अंदर जो मेरे लिए 2024 साल के अंदर होने वाला है, यहां पर टोटल 10,523.15 MHz स्पेक्ट्रम को यहां पर रखा जाएगा, जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस यहां पर किया जाएगा। और इसका वैलिडिटी रहेंगे आने वाले 20 साल तक, मतलब जिस तारीख से मेनली टेलीकॉम कंपनीज को ये स्पेक्ट्रम मिलेंगे उसके बाद 20 साल तक मेनली जो कंपनीज है वो ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ये मेनली टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है ये मेनली लिबरलाइज स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब कोई भी कंपनी जो इस स्पेक्ट्रम को खरीदेंगे वो मेनली इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को अपने 2G, 3G, 4G, 5G उसी के साथ लो स्पीड हाई स्पीड टेक्नोलॉजी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से बताया गया है कि वो GSM, WCDMA, LTE, CDMA, IMT 2020 उसी के साथ जो 5G टेक्नोलॉजी उसके अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो 3G सर्विस है उसका मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है, क्योंकि भारत के काफ़ी सारे जगह के अंदर जो 3G सर्विस है वो यहाँ पर काम में नहीं आ रहा है। देखिए, भारत के अंदर सिर्फ दो ऐसे कंपनी है, वोडाफोन आइडिया और BSNL, ये दो कंपनी आज के डेट के अंदर अपने 3G सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। इसे छोड़कर कोई भी कंपनी भारत के अंदर अपने 3G सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर रहे। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेक्ट्रम ऑक्शंस किया जाएगा इसका ब्लॉक क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि देखिए जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी खरीदते हैं वो पर्टिकुलर ब्लॉक की मदद से खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपली एक ही टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम वो यहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि AF स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के अंदर 5 MHz ब्लॉक जो है वो सिर्फ रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा ब्लॉक अगर कोई कंपनी सबसे कम यहाँ पर स्पेक्ट्रम को परचेस करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 MHz ब्लॉक स्पेक्ट्रम जो यहाँ पर परचेस कर सकते हैं 4G सर्विसेज के ऊपर। उसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से बताया गया कि अगर कोई कंपनी मेरे लिए 1800 MHz के अंदर 3 MHz यूनिट स्पेक्ट्रम खरीद दें तो यहाँ पर जो डाउनलोड लिंक उन्हें मिलेंगे वो 12 MBPS का मिलेंगे। दोस्तों, अगर मैं ब्लॉक साइज की बात करता हूँ तो 0.2 MHz, 900 MHz और 1800 MHz के ऊपर, 1.25 MHz, 800 MHz के ऊपर, 5 MHz, 2100 MHz के ऊपर, 10 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz और 3300 MHz के ऊपर, और 50 MHz, 26 GHz के ऊपर। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से भारत के अंदर जो भी लाइसेंस सर्विस एरियाज है उसके लिए पूरा जो डिटेल्स है वो यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। हालांकि उसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन है इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये मेरे लिए 22 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर होने वाला है। यानी 22 अप्रैल 2024 तक जो कंपनीज मेरे लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उसका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसी के साथ बीडर्स का जो फाइनल लिस्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाला जाएगा वो 9th May 2024 को निकाला जाएगा, और जो लाइव ऑक्शंस यहां पर होंगे वो 20 May 2024 को यहां पर होंगे। उसके बाद हमें पता चल पाएंगे कि कौन सा कंपनी कितना स्पेक्ट्रम यहां पर परचेस किया, क्योंकि 20 मई को पर्टिकुलर ऑक्शंस को किया जाएगा। तो देखते हैं कि 2024 साल के अंदर भारत के अंदर जो भी कंपनी यहाँ पर ऑपरेट करते हैं कौन सा कंपनी कौन सा स्पेक्ट्रम बैंड को यहाँ पर परचेस करते हैं, आपको क्या लगते हैं? भारत के अंदर जो भी कंपनी यहाँ पर ऑपरेट करते हैं कौन सा कंपनी कितना स्पेक्ट्रम बैंड को यहाँ पर परचेस करेंगे, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उस समय तो ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।